नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 12 इंच कान्हा जी का कुर्ता बनाएंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम कुर्ता बनाते हैं। तो 12 इंच कान्हा जी के कुर्ते के लिए मैंने 32 फंदे डाले हैं और दो लाइन सीधा सीधा बनाया है, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा। और इस लाइन में हम फंदों का बंटवारा करेंगे, तो हम 6 फंदे सीधे बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उन अपनी ओर करेंगे एक फंदा सीधा यानी जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4। ये हमारे आस्तीन के फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे और अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। ये हमारा सेकंड डिवाइडर हो गया। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 8 फंदे जाली देते हुए सीधा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारा बैक के फंदे हो गए। अब उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। ये हमारा थर्ड डिवाइडर हुआ। उन अपनी ओर करेंगे और 4 फंदे जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। ये हमारा फोर्थ डिवाइडर हुआ। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 6 फंदा बचे हुए हैं जिन्हें हम जाली देते हुए सीधा बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। बॉर्डर के बाद से ये हमारा थर्ड रो है। तो हम पिछले बार हमने 6 फंदा सीधा बुना था, अब की हम 7 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर इस फंदे के ये डिवाइडर है, इसके दोनों तरफ हमें जाली देना है। उन अपनी ओर करेंगे, ये आस्तीन के पिछले बार में 4 फंदे थे, 2 जाली भरने से ये 6 फंदे हो गए। तो 6 फंदा जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा सेकेंड डिवाइडर है। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 10 फंदे जाली देते हुए सीधा। ये हमारे बैक के फंदे हैं। अब ये हमारा थर्ड डिवाइडर आ गया। तो उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर उन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा सेकेंड आस्तीन है। तो जाली देते हुए 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमारा फोर्थ डिवाइडर आया। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। फिर उन अपनी ओर करेंगे और 7 फंदे जाली देते हुए सीधे बना लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड, हमने फ्रंट के सारे फंदे सीधे बुन लिए और हम डिवाइडर के पास आए हैं। तो इस समय 2 जाली बना हुआ है। इसी तरह हमें 7 जाली बनाना है। तो 2 जाली बन गया और तीसरा जाली बनाने के पास हम पहुँचे हैं। तो 7 जाली बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 7 जाली बन के तैयार है। अब हम जो ये डिवाइडर है, अब हम ये आस्तीन के फंदे बुनेंगे। जाली तक हम सारे फंदे बुन लेंगे। जाली तक बुनने के बाद अब हम यहीं से टर्न कर लेंगे और आस्तीन के सारे फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। अब हम सिर्फ आस्तीन के ही फंदे बनाएंगे। चाहें तो हम इतने फंदे किसी और सिलाई पे उठा के बना सकते हैं और यहीं से हम टर्न कर लेंगे। ये जो हमारा डिवाइडर है, उसे हम इधर की तरफ रखेंगे, यानी कि फ्रंट की तरफ रखेंगे। हम जाली से जाली तक के फंदे हम देखिए फ्रेंड्स, हमने आस्तीन के फंदे दूसरे सिलाई पे ले लिए हैं और आस्तीन के फंदे ही बुनेंगे और इसे हम 2.5 इंच तक
बुनेंगे। ये हम कुर्ते का बाँह बना रहे हैं, तो 2.5 इंच बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 2.5 इंच हो चुका है। तो अब हम इसको गिन लेंगे कि ये कितना लाइन है। तो यहाँ से हम गिनेंगे, देखिए ये इधर गया है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 और ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो 18वें लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। 17 लाइन हमने सीधा बनाया, 18वें लाइन में हम रॉन्ग साइड से भी सभी फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमारा बॉर्डर बन रहा है, रॉन्ग साइड लास्ट फंदा उल्टा। अब हम फ्रंट साइड पे हैं, तो अब हमें सभी फंदे क्लोज कर लेने हैं। तो दो दो फंदे हम लेंगे और बैक साइड से इन्हें हम 2 का 1 करते जाएंगे। वापस बाईं सिलाई में चढ़ाएंगे, बैक साइड से 2 का 1 करेंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो हमने सारे फंदे क्लोज कर लिए और अब हम इसे थोड़ा लंबा काटेंगे क्योंकि हमें आस्तीन सिलना होगा। तो काट के और ऐसे टाइट कर देंगे। ये हमारा बाँह बन गया, कुर्ते का ये बाँह बन गया है। अब हम फिर यहाँ पे अपना धागा लगाएंगे। ये हमारा बैक पोर्शन है, तो यहाँ पे हम अपना धागा लगाएंगे। या तो हम इसे गांठ लगा देंगे या फिर ऐसे करके बुनते चले जाएंगे। अब हमें जाली नहीं देना है, हमें नॉर्मली सीधा सभी फंदे बुनते चले जाने हैं। तो बैक के सारे फंदे हम सीधा बुन लेंगे और आस्तीन पे आ जाएंगे। ऐसे लपेटने से भी ये खुलता नहीं है। डिवाइडर हम बैक में रखेंगे और फिर जाली से जाली तक के सभी फंदे हम बुनेंगे और 18 लाइन तक, 17 लाइन तक सीधा सीधा बुनेंगे। सिर्फ जाली से जाली तक के आस्तीन के फंदे हम ऐसे ही बाँह दूसरा वाला भी बना लेंगे। तो जाली से ही हम वापस आ जाएंगे और इन 18 फंदों को, यानी कि आस्तीन के फंदों को ही हम सिर्फ बुनेंगे और 17 लाइन तक बुन लेंगे। ये हमारा दूसरा लाइन है, तो 17 लाइन हम बुनेंगे आगे से सीधा और पीछे से उल्टा। फिर देखिए हम यहीं से टर्न कर लेंगे, आगे से सीधा बुनेंगे और पीछे से उल्टा। ये हमारा तीसरा लाइन है। तो 17 लाइन हम ऐसे ही प्लेन बुनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये 17 लाइन कंप्लीट हो गया है और अब ये 18वां लाइन है। तो इसमें हम पहला फंदा स्लिप कर लेंगे और बाकी फंदे सीधे बनाएंगे। ये हम बाँह का बॉर्डर बना रहे हैं। तो पीछे से रॉन्ग साइड से 18वां लाइन है और रॉन्ग साइड सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। 19वें लाइन में ये हमारा फ्रंट साइड है और 19वां लाइन दो दो फंदे हम लेते जाएंगे और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे। फिर बाएं सिलाई में फंदा चढ़ाएंगे, दो फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। इस तरह करते हुए हम सभी फंदे घटा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी फंदे घट गए हैं और हम एक लंबा धागा काटेंगे और
उसको इसके अंदर से फंदे के अंदर से निकाल देंगे और इसे टाइट कर देंगे और ये हमारे आस्तीन को सिलने के लिए हो जाएगा। और हमने बैक के फंदे बुन लिए थे तो अब हम यहाँ पे धागा लगाएंगे। यह हमारा सेकेंड फ्रंट पार्ट है, यहाँ पे धागा लगाएंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। तो हम फ्रंट के फंदे उल्टे बना ले रहे हैं। अब हमें इन तीनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना होगा। अब देखिए, ये हमारे फ्रंट का लास्ट फंदा है और ये हमारे बैक का फर्स्ट फंदा। तो इसके अंदर से ऐसे इसको निकालेंगे और ऐसे उल्टा बना लेंगे। ऐसे ये देखिए, दोनों फंदे क्रॉस हो गए हैं। अब दोनों को उल्टा बना लेंगे और बैक के सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब ये बैक का लास्ट फंदा है तो इन दोनों फंदों को आपस में ऐसे क्रॉस कर लेंगे। देखिए दोनों का, देखिए दोनों को हमने ऐसे क्रॉस किया है। अब दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे और शेष सभी फंदे भी उल्टा बुन लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तो हमारे ये तीनों पार्ट्स आपस में जुड़ चुके हैं। अब हम 16 लाइन सीधा, आगे से सीधा और पीछे से उल्टा बनेंगे, यानी सिर्फ हमें प्लेन बुनना है। सभी फंदों को हमें बुनते जाना है, आगे से सभी फंदे सीधे और पीछे से सभी फंदे उल्टे। इस तरह हम इसे 16 लाइन तक बुनेंगे। तो 16 लाइन बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 16 लाइन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम 13 फंदा सीधा बुनेंगे और 14वें फंदे में दो बार बुनेंगे। एक बार बुना और फिर इसी में बैक से एक और। फिर इसी तरह 15वें फंदे में भी हम दो बार बुनेंगे, एक बार बुनेंगे, पहले हम एक बार बुनेंगे और फिर इसी में एक और बार। तो हमने यहाँ 2 का 4 कर लिया। फिर हम 22 फंदा सीधा बुनेंगे और फिर दो फंदों में 2 से 4 करेंगे। एक बार सीधा बुनेंगे, इसी में एक बार बैक से सीधा, अगले फंदे में भी सीधा बुनेंगे और बैक से सीधा और शेष फंदे सीधा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे। हमने सारे फंदे उल्टे, उल्टी लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम फिर राइट साइड में हैं और देखिए, हमने 4 फंदे यहाँ बढ़ाए थे। तो पिछली लाइन में हमने 13 फंदे बुने थे, अब की एक फंदा बढ़ गया तो अब 14 फंदा सीधा बुनेंगे। 13 और ये 14। और देखिए यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए थे तो फिर हम 2 फंदे इस लाइन में भी बढ़ाएंगे। सीधा बुना, फिर इसी में एक उल्टा और नेक्स्ट फंदे में भी एक सीधा बुनेंगे और फिर उसी में उल्टा। फिर हम 24 फंदे सीधे बुनेंगे अब देखिए, इन 2 फंदों पे हमने पिछली लाइन में भी 2 से 4 किया था, तो वापस हम यहाँ पे इन दोनों फंदों पे एक एक फंदा बढ़ा देंगे। एक सीधा बुनेंगे, फिर इसी में एक उल्टा, फिर सीधा और फिर इसी में उल्टा। शेष फंदों को सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे।
मैंने 15 सीधे फंदे बना लिए हैं। अब 16वें फंदे में हम एक से दो करेंगे और 17वें फंदे में भी एक से दो। तो यहाँ हमने 3 लगातार फंदे बढ़ाए हैं। अब हम 26 फंदे सीधे बना लेंगे और इस साइड भी हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे, सीधा बुनेंगे, फिर इसी में बैक से सीधा, सीधा बुनेंगे, फिर इसी में बैक से सीधा। तो 3 लगातार सीधे में हमने 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर इधर भी 2-2 करके 6 फंदे इधर और 6 फंदे इधर, यानी 12 फंदे हमने बढ़ा दिए। और फिर 2 सीधे और लाइन बनाएंगे, यानी कि 10 फंदे इधर और 10 फंदे इधर बढ़ाएंगे। 5 लगातार सीधी लाइन में मैंने 10 फंदे इस साइड में और 10 फंदे इस साइड में बढ़ा लिए हैं। और ये एक लाइन सीधा सीधा बुनते हुए मैं आ गई हूँ और अब ये रॉन्ग साइड है। तो अब रॉन्ग साइड में सभी फंदे हम सीधा बनाएंगे, पहला फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सभी फंदों को सीधा बुनते हुए मैंने लाइन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं राइट साइड में हूँ और अब इस लाइन में सभी फंदों को क्लोज कर लिया जाएगा। एक एक फंदा सीधा बुनते जाइए, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ाते जाइए, या फिर इस फंदे को भी बाएं सिलाई में चढ़ाइए और 2-2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बुनते जाइए बैक लूप से। तो इन दोनों वीडियो में जो आपको अच्छा लगे उससे सभी फंदे क्लोज कर लेंगे। तो क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 12 इंच कान्हा जी का कुर्ता तैयार है। अब हमें आस्तीन की सिलाई करनी है और थोड़ा सा क्रोशिए का काम करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रोशिए से थोड़ा सा चारों तरफ क्रम कर लेंगे और रस्सी लगा लेंगे और हमारा कान्हा जी का 12 इंच कान्हा जी का कुर्ता तैयार हो गया। तो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।